खबर एटा जनपद से, जहां रविवार दोपहर बाद एक बड़ा हादसा होते होते बचा। आपको बता दें, एटा बाईपास पर स्थित रामपुर घनश्यामपुर के निकट बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे सवारियों के होश उड़ गए। बस में बैठे सभी यात्री बाल बाल सुरक्षित बच गए, पर चालक के पैर में हल्की चोट आई है। बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है, बस अलीगढ़ से बाईपास होते हुए कटौस जा रही थी, तभी अचानक रामपुर घनश्यामपुर पर बड़े डिवाइडर से टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जो भी यात्रियों को चोट आई उनको अस्पताल भेज दिया। भीड़ लगी हुई है, बस देखिए डिवाइडर से टकराई है, नीचे गिरने से भी बच गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी का टायर फट गया था और ये टकरा गई। लाइव चलन दे ये देखिए, काफी बड़ा हादसा था, ये पहिए भैया सब नीचे गिर गए। खैर, किसी लोग के चोट वोट नहीं आई है। ये पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं यहाँ पर, ये हमारे गांव के लोग हैं, देख रहे हैं सब लोग। देखिए, पूरी टंकी फट गई, तेल निकल गया इसका। गाड़ी से पूरा तेल निकल गया है, ये बैटरी निकाल रहे हैं इसकी। खैर, किसी के चोट नहीं आई है। ये देखिए, वही जलेसर आवागढ़ मार्ग पर रविवार दोपहर को दर्दनाक हादसा हो गया। गांव रामगढ़ी के समीप टैंकर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हादसे में मरने वालों की पहचान नगला मितन निवासी अंकित 22, पुत्र विनोद कुमार 30, नरेंद्र पुत्र ईश्वरी प्रसाद और गाँव सिमराव निवासी रवि के रूप में हुई है। तीन युवक बाइक से गांव जा रहे थे। हादसे में मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। एटा जनपद से सत्यवान सिंह चौहान के साथ रंजीत सिंह की रिपोर्ट।